हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दो माह बाद घर देखना होगा नसीब। शीतला माता के मेले में झूले व दुकान लगाने आए करीब 50 मजदूर गुजरात रवाना। जोधपुर में शीतला माता के मेले में झूले व खिलौने की दुकान लगाने वाले करीब 50 लोग अब दो माह बाद अपने घर पहुंच जाएंगे। लॉकडाउन के कारण जोधपुर में फंसे ये लोग प्रशासन की सहायता से आज अपने प्रांत गुजरात के लिए बस से रवाना हुए। प्रशासन ने इनकी पीड़ा को समझते हुए एक स्पेशल बस संचालित की। नागौरी गेट थाना अधिकारी जब्बर सिंह ने बताया कि मार्च में होली के बाद जोधपुर में शीतला माता का मेला लगता है। इसमें झूला, खिलौने आदि की दुकान लगाने के लिए करीब 50 लोग गुजरात के अलग अलग शहरों से यहां आए थे। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव के कारण लगाए गए लॉकडाउन में ये लोग यहीं फंस गए। करीब दो माह से ये यहां फंसे हुए थे। उनके खाने पीने की व्यवस्था व अन्य सहायता नागौरी गेट पुलिस व अन्य सरकारी स्तर पर हो रहा था। वे घर जाना चाह रहे थे लेकिन कर्फ्यू ग्रस्त इलाका होने के कारण वे बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इसको लेकर उन्होंने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई। इसके बाद पुलिस व जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर प्रयास कर आज इनको गुजरात के लिए रवाना किया। इन लोगों की मेडिकल जांच व स्क्रीनिंग के बाद बस से पाली रवाना किया। पाली से इनको गुजरात के रास्ते चेन्नई की तरफ जाने वाली बसों में बिठाया गया। इन सभी लोगों के लिए खाने तथा छोटे बच्चों के लिए बिस्किट पानी वगैरह की व्यवस्था की गई। जाते समय इन लोगों ने पुलिस को धन्यवाद किया। कई लोगों की आंखों में घर जाने की खुशी के आंसू निकल पड़े। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमा की रिपोर्ट।